Everyone, welcome to the IIM Public School at home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about worksheet. Page number 154. कैपिटल लेटर में लिखा है तो कैपिटल लिख लीजिए। ठीक है, इसमें दिया है कुछ डॉट डॉट, जैसे पहला कर दिया, ठीक है, दूसरा फिगर दिया है, एक दो तीन चार चार कर दिया है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, चार चार का हो गया। अब बोला क्या है, इधर दिया कितना का, तीन पांच का, पांच दिया, वन टू थ्री फोर, और सब दिया थ्री फोर फाइव फाइव। ठीक, बोला है क्या, जितने भी ये फिगर ऊपर दिए गए हैं पेज नंबर 154 में, जितने भी ऊपर लाइन बाय लाइन फिगर दिया है वैसे ही बनाना है। दूसरा दिया रेक्टेंगल, तो आपको रेक्टेंगल फॉर्म करना है। तो रेक्टेंगल कैसे फॉर्म करोगे, तो रेक्टेंगल कोई भी फॉर्म कर लो, जैसे यहीं से आप बना सकते हो रेक्टेंगल। ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल बना सकते हो, या तो बड़ा रेक्टेंगल बनाना है तो ये पूरा ले लो, फिर ये पूरा ले लो, फिर ये पूरा ले लो, फिर ये पूरा ले लो। रेक्टेंगल वो होता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। तो ये फोर पॉइंट्स है और ये फाइव पॉइंट्स है, सारा इक्वल नहीं होना चाहिए, ऑल इक्वल हो गया तो वो तो स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, सारे का फिगर, उसका पैरेललोग्राम बनाइएगा, ट्रेपेजियम बनाइएगा, रोम्बस का बनाइएगा, काइट का बनाइएगा, डॉट डॉट मिलाकर। ठीक है ना, नेक्स्ट टेस्ट योर स्किल पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन वन क्या है, विच एमोंग द सेप इज फॉर्म्ड ऑफ बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस। ऑप्शन है ए, इनमें से कौन है जो स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन से बना है। तो ये देखिए, ये सब का सब स्ट्रेट है, ये टोटल कर्व है, यहां देखो ये कर्व है और ये आपका स्ट्रेट है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्यों, क्योंकि ये कर्व लाइन से भी और स्ट्रेट लाइन से भी बना है। ठीक है, क्वेश्चन टू,
द नंबर ऑफ इक्वल एज ऑफ ए स्क्वायर इज 0, 2, 3, 4 बोलो स्क्वायर में, स्क्वायर है ना, स्क्वायर में, स्क्वायर क्या होता है? तो इसमें इक्वल एज होता है ये तो क्लियर, लेकिन कितने होते हैं? 0 होते हैं? नहीं, एज कितने होते हैं? देखो 1 स्क्वायर का, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो 4 होता है इसमें एज, कितना होता है बाबू? 4 तो 0 तो होता है, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, कौन होता है? 4 स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए कोन इज, कोन में कितना वर्टिसेस होता है? ऑप्शन 1, 0, 4, 8 कोन बनाइए, ये है आपका कोन, इसमें वर्टिस कितना होता है बाबू? तो ये इधर से गया और ये इधर, तो मिट किया ये है, मैंने मिट किया, तो इसमें क्या होगा? वर्टिस हुआ 1, ठीक है। क्वेश्चन सी 4 सॉरी क्वेश्चन 4 क्या है? इन ए 5-piece टेंग्राम विच टू सेल आर आइडेंटिकल, यानी कोई भी दो ऐसा शेप बताइए जो आइडेंटिकल होता है किसमें? आई पीस टेंजेंट में, टेंग्राम में, स्क्वायर बी ट्रायंगल सी पैरेललोग्राम डी रेक्टेंगल कर क्या? इन अ 5-piece टेंग्राम विच टू सेप आर आइडेंटिकल, 5-piece टेंग्राम में दो को ऐसा कोई सेप बने जो टेन इक्वल होता है, आइडेंटिकल होता है, तो स्क्वायर तो होता ही नहीं। हाँ ट्रेंगल, ट्रेंगल जो होता है यही दो ऐसा, इसका ही बहुत सारा 5 में आता है, तो वो जैसे सीधा ऐसे भी आ जाता है और ऐसे भी आ जाता है, आता है ना, लेकिन यही आइडेंटिकल होता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है द सॉलिड शेप, द सॉलिड शेप विच हैज टू कर्व एज इज अ, पहले में क्यूबॉइड, बी में स्फीयर, सी में कोन और डी में सिलेंडर। जैसे बोला है द सॉलिड शेप विच हैज टू कर्व एजेस, दो को कोई कर्व एजेस बताइए, दो कर्व एजेस देखो सिलेंडर में होता है, क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक कर्व एजेस दूसरा कर्व एजेस,
और ये कर्व सरफेस होता है, ठीक है। तो दो कर्व्स एजेस वाले क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं, ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके हम लोग देखेंगे अप्लाई योर स्किल्स, ओके। देखता हूँ टाइम है तो आप लोगों को जरूर मैं बता दूंगा, चलिए मैं बता देता हूँ इसमें क्या कम से कम क्वेश्चन एक भी बता देते हैं। अप्लाई योर स्किल का क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है। ये सेप है, और इसे से कट कर दिया गया है, तो बोला क्या है कि बताना है फेस। तो देखो अपर अपर इसमें फाइंड द बोला है सॉलिड कोन इज कट हॉरिजॉन्टली, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फेसेस इज इन द वर्टिस टू ऑफ द सेप। अपर सेप में, अपर सेप्स में देखिए, ऊपर वाला सेप में क्या बोला है निकालने के लिए फेस। तो ऊपर वाले सेप में फेस कितना है बाबू, अगर एक फेस तो नीचे वाला हो जाएगा, ये कर्व फेसेस कितना हो जाएगा, तो यही ना कट किया गया है, तो एक फेस तो है ही है और एक फेस इसका सर्कुलेटेड है कर्व वाला, दो फेस हो जाएगा। और क्या बोला एज निकालने के लिए, तो एज कितना हो जाएगा, एज वन हो जाएगा। वर्टेक्स कितना हो जाता है, वर्टेक्स एक हो रहा है, वर्टेक्स वन, ठीक है। अब लोअर फेस में देखिए, लोअर सेप में, लोअर सेप में, लोअर सेप में पहले क्या फेस, तो लोअर सेप में कितना फेस हो रहा है बाबू, एक तो ऐसे फिगर बना है, सॉरी तो कट कर दोगे तो ऐसे ही ना फिगर होगा, कट कर दोगे तो एक फेस है नीचे वाला और एक फेस ऊपर वाला और एक फेस इसका कर, कितना फेस हो गया तीन। उसके बाद और क्या बोला निकालने के लिए, एज, एज इसका कितना है बाबू, दो देख लो। और इसके बाद बोला है क्या निकालने के लिए, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा, तो वर्टेक्स हो जाएगा इसका जीरो, ठीक है। ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बनाइएगा हाउ मेनी स्क्वायर रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल आर इन दिस गिवन फिगर, फिगर जो दिया उसमें कितने ट्रायंगल होंगे ये निकालिएगा, ट्रायंगल रेक्टेंगल और आपका क्या है स्क्वायर। ऐसे ही कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।